टांडा तहसील को एक फायर स्टेशन मिला है, जहां अग्निशासन अधिकारी श्री रेहान अली ने बताया था कि किस तरीके से यहां निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही यहां पर सुनील कुमार शर्मा अधिशासी अधिकारी मुरादाबाद मंडल भी मौजूद थे और उन्होंने पूरी तरह यहाँ चेकिंग की, देखा किस तरीके से काम चल रहा है और बताया कि यहाँ आने वाले कुछ ही समय में पूर्ण रूप से साल भर के अंदर ये फायर स्टेशन टांडा तहसील के लिए तैयार हो जाएगा और यहाँ होने वाले अग्निकांडों को राहत मिलेगी। साथ ही रेहान अली जी ने बताया कि किस तरीके से आधुनिक तरीके से ये फायर स्टेशन काम करेगा, जहाँ 26 लोगों का स्टाफ होगा, 2 यूनिट यहाँ मौजूद रहेंगी, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 24 घंटे यहाँ मौजूद रहेंगी और उससे होने वाले किसानों के तथा व्यापारियों के लाखों रुपए के नुकसान से बचा जा सकेगा। कैमरामैन नरेंद्र कुमार के साथ रवि पाल, टांडा वाले। चेंजेस आ रहे थे रोड लेवल को लेकर, पंचायत बना हुआ था तो उसको एक्सीएम साहब बीच निर्माण इकाई के आए थे और मैं भी आया था तो उसको भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया ऊपर बनाए जाने के लिए डिसाइड हो गया। सर ये बिल्डिंग कितने माला बन के तैयार हो रही? बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो 2 मंजिल का है और जो रेजिडेंशियल है वो 3 मंजिल के हैं और जमीन भी है काफ़ी है। सर ये जो बिल्डिंग तैयार हो रही है तो इसकी क्या क्या खूबियाँ रहेंगी? कुछ खूबियाँ भी हैं या इसके जिस तरीके से क्षेत्र में और इलाके बढ़ते चले आ रहे हैं, जगह की कमी होती चली आ रही है, तो कुछ खूबियाँ रहेंगी? इसमें खूबियाँ हैं, अब आधुनिक टाइप से गाड़ियों खड़े होने के लिए गैराज बनाए गए हैं, ऑफिसेज बनाए गए हैं जिसमें रिजर्व कर्मचारी रहेंगे जो फास्ट मूवमेंट के लिए तैयारी हालत में बैठे रहेंगे, उनके लिए भी वहाँ पे स्थान बनाया जा रहा है गैराज के बगल में, तो इससे बहुत फास्ट मूवमेंट हो जाएगा जी। तो यहाँ जब ये फायर स्टेशन बनकर तैयार होगा तो कितना इसका एरिया रहेगा? ये टांडा तहसील के अंतर्गत जितने भी अग्निकांडों की सूचना आएंगी तो उनमें ये प्रभावी रूप से पहुँच के कार्य करेगा और कोई और क्षेत्र में कोई बड़ा अग्निकांड घटित होता है तो उसके लिए जो है प्रस्थान करेंगी यहाँ से गाड़ियाँ जरूर। तो सर इसका जो टारगेट है निर्माणाधीन टारगेट कब तक का है, ये कब तक जो है सुपुर्द कर दिया जाएगा? 1 वर्ष का है इसका, 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा। बिल्डिंग 10 माला का स्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े कॉलम है।